सभी को प्रेज द लॉर्ड जय मसीह की। कैसे हो आप सब मेरे अजीज? तो फिर से परमेश्वर जो बताया है मैं आपको बता रहा हूँ, और ये भारत को लेकर और सभी लोग बहुत बड़ी चेतावनी है, परमेश्वर की एक वार्निंग है। आई पहले प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, प्रभु तेरा धन्यवाद करता हूँ। तो आने वाली बातें पहले बता देता कि हम बच सके। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, आज जो सुनने वाले हैं पिता, जो संकट आप बताने वाले, मिलकर प्रार्थना करें और संकट पर तेरी दया हो, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ये रिकॉर्डिंग इसलिए आ रही है, प्रार्थना इसलिए आ रही है रिकॉर्डिंग में, क्योंकि अभी मैं जो भी रिकॉर्डिंग बना रहा हूँ उस समय मैं पंजाब में था, आपको बताइए, खामरा चर्च में, और वहाँ प्रेयर अटेंड करने के बाद मुझे मौका मिला तो मैंने वो वीडियो ऑडियो बनाई ताकि परमेश्वर की आवाज़ मेरे पास आई, तो मैंने तुरंत वो काम करा और आप सुन रहे हो, ठीक है। तो परमेश्वर जो मुझे बताया इसलिए मैं आपको वचन नहीं दे सकता, क्योंकि मैं अभी छत पर ही ऑडियो बना रहा हूँ। बस प्रभु ने मुझसे कहा है कि चेतावनी दे, वार्निंग दे, और समझा कि जो संकट इस समय भारत पर आने वाला है, कोरोना लेकर है जैसे प्रभु ने पहले बताया था, और भयंकर भूकंप प्रभु ने पहले बताया था, और रोड एक्सीडेंट जैसे प्रभु ने बता रखा है, हालेलुया, इनको लेकर हमें अलर्ट रहना है। ये चीज़ें बढ़ेगी और हम सब देखेंगे, परमेश्वर दया करे, यही प्रार्थना करनी है। लेकिन प्रभु ने क्यों बता रहा है? ताकि बहुत लोग अगर मसीह में हैं हम और आप, लेकिन आज हम लापरवाही में हैं, आज हम सुस्त हैं, आज भी पाप में हैं, तो याद रखना संकट में हमारा नाम आ सकता है। लेकिन अगर हम तोबा में हैं, अगर हम प्रायश्चित में हैं और हम परमेश्वर के पास है, तो इस संकट से हम तो बचेंगे, लेकिन हमारे कारण परमेश्वर बहुत को बचाएगा, हालेलुया। तो आज हमें देखना है हम किस अवस्था में है, आज हमें देखना है कि हम कहाँ पर हैं, क्योंकि अंत का दिन चल रहा है मेरे अजीजों। ऐसा ना हो कि हम लापरवाही रहे और वो दिन हम पे आ चुके। तो इसलिए जो परमेश्वर मुझे तीन बातें बताई वो आपको सामने मैंने शेयर करी है, इसे सीरियस लेना ताकि हम और आप बच सके और हमारे कारण बहुत लोग बच सके, हालेलुया। मैं प्रार्थना करता हूँ, आंखें बंद करें। होली स्पिरिट इन द नेम ऑफ जीसस, पिता मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आप आवाज़ दे के भविष्यवाणी करवाते हैं, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिता, जो आपने संकट बताया भारत में आने वाले टाइम में पिता, पिता वो संकट के लिए हम यही प्रार्थना करते हैं पिता, जो तेरा वचन कहता है कि तू भविष्यवक्ता को पहले ही बता देता है सारी बातें, लेकिन हम प्रार्थना करेंगे पिता कि तू दया करे। देखिए ये भविष्यवाणी इसलिए बताई आपने ताकि हम और जितने भी लोग हैं जो मसीह में हैं वो अलर्ट हो सके, वो प्रार्थना कर सके, हमारे जीवन स्वस्थ ना हो, हालेलुया। आज हम परमेश्वर हमें आगाह कर रहे, चेतावनी दे रहे ताकि हम और आप अलर्ट मूड पे आए, सोते न रहे मेरे जो जागने का समय। आज हम प्रार्थना कर रहे हैं पिता परमेश्वर इस भविष्यवाणी को लेकर, लेकिन हम सिर्फ दया चाहते हैं, हाँ और आमीन के साथ प्रार्थना सुनी, धन्यवाद करता हूँ, हमें अलर्ट किया, धन्यवाद करता हूँ, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू, जय मसीह की, जुड़े रहे परमेश्वर के साथ, अद्भुत अद्भुत भविष्यवाणी इस समय करा रहे, हर एक भविष्यवाणी को सुनना जरूरी है। परमेश्वर पिता आप सभी को आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू, जय मसीह की, फिर मिलेंगे।